अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, इट्स योर केमिस्ट्री लेक्चर एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वी हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कल हमने सेल किया था, दैट वाज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ द सेकंड टॉपिक इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ एक्चुअली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जब हमने डेफिनेशन की थी, हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द डीकम्पोजिशन और द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। फाइन, कि जो चीज़ जिस आयन से मिलके बनी हुई है, जिन एटम से मिलके बनी हुई है, उसका उसी एटम्स में डिसोसिएट हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल हमने सोडियम क्लोराइड की बात की थी कि अगर सोडियम क्लोराइड है, नमक है, हमने उसका सोल्यूशन लिया, उसको वाटर में डिजोल्व किया है, तो ये सोडियम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस में चेंज हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। अगर प्योर वाटर की बात करते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं हैं, तो दैट प्योर वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये मतलब है कि वाटर, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन भी पढ़ी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। इट मींस दैट अगर मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स मैंने वाटर के लिए हैं, तो उसमें से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दे विल डीकम्पोज और ब्रेक डाउन इन द एच पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। फाइन, बाकी जितने भी आइंस होंगे, 995 मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक डाउन हो गए, बाकी कितने रह गए थे, 995, ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन नहीं हुए। सो दैट्स व्हाई हम वाटर को बात कर रहे हैं, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट द आयोनाइजेशन और द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैन बी इम्प्रूव्ड बाई यूजिंग बाई एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अगर हम वाटर में थोड़े से एसिड के ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड और इफ़ वी ऐड सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जब हम वाटर में ऐड कर देते हैं, तो वाटर की आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रोलिसिस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तब अगर पहले 5 मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास डिकम्पोज हो रहे थे, तो एसिड ऐड करने के बाद तो मे बी पॉसिबल है कि 700 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएँ। ठीक है, वाटर की आयोनाइजेशन कैपेसिटी हमने इंक्रीज़ कर दी जस्ट बाय एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। ठीक है, दिस इज़ योर एमसीक्यू एज वेल फॉर योर बोर्ड एंड द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल क्लास। सो वाटर डिकम्पोज कैसे होगा, जब हम एसिड ऐड करेंगे। वाटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एच पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव आयन से, जिस चीज़ से मिलकर बना था उसी चीज़ में डिकम्पोज हो गया। नाउ रिकॉल द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्रॉ करती हूँ, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स मैं ड्रॉ करती हूँ, और इन इलेक्ट्रोड्स को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होगा वो क्या होगा, एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा वो होगा कैथोड। अगर यहाँ पे मैंने वाटर ऐड किया था, तो वाटर में एच पॉजिटिव आइंस हैं और ओएच नेगेटिव आइंस हैं। एच पॉजिटिव आइंस कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और एच पॉजिटिव कहाँ पे जाएंगे, ओएच नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। आपको याद रखना है कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। दिस इज़ द डायग्राम। ठीक है, ये एनोड है हमारे पास, ये कैथोड है, हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और ये किस चीज़ के इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है, हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया हुआ है। नाउ व्हाट आर द रिएक्शन दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रोलिसिस, यानी हमारे इस सेल में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवा रहा है, उसमें रिएक्शन क्या हो रहा है। अब जितने भी ओएच नेगेटिव आइंस होंगे, वो कहाँ पे आ जाएंगे, ऑन द एनोड, वो सारे के सारे एनोड पे आ जाएंगे, और जितने भी एच पॉजिटिव आइंस होंगे, वो सारे के कहाँ आ जाएंगे, ऑन द कैथोड, कैथोड पे आ गए। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा था एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज़ को देखते हैं, अगर मैं ओएच नेगेटिव लेती हूँ, इट मींस इट हैज़ टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया और प्रोड्यूस कर दिया ओएच।
एनोड पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और हमारे पास यहाँ पे OH आ गया। सिमिलर लाइक दैट अगर दूसरा OH का मॉलिक्यूल होगा जो कि एनोड पे आया था, सेम ये भी यही प्रोसेस होगा और यहाँ पे भी OH रिलीज हो जाएगा। सिमिलर लाइक दैट थर्ड मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही होगा और फोर्थ मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे इट मींस हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, हर एक से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला और टोटल हमारे पास OH नेगेटिव कितने थे, 4। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे साथ में क्या रिलीज़ हुआ था, OH। अब इस चीज़ को देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालूँ तो एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया H2O, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल H2O यहाँ से निकल गया, बाकी एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे है। तो ये दोनों ऑक्सीजन के एटम्स क्या करेंगे, दे विल कम्बाइन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम्स कम्बाइन करेंगे और क्या बना देंगे, O2। तो ओवरऑल इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई थी कि अगर हम 4 OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेंगे, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। फाइन, सो हमने क्या किया, एनोड पे कौन सी गैस आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे अब क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या थे, एच पॉजिटिव आइंस थे सारे। अब एच पॉजिटिव आइंस ने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। एक एच पॉजिटिव आइन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया, एच हाइड्रोजन। सिमिलर लाइक दैट अगर ये 4 होंगे एच पॉजिटिव आइन्स तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या बना देंगे, 4H। 4H हैं तो उसमें से 2 H मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H2 और 2 ये मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H2। सो हमारे पास 4H से क्या बनेगा, 2H2, यानी 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स। सो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास हुई, वाटर को जब हमने ब्रेक डाउन किया तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बन रहा है, सो यहाँ पे स्पेस हमारे पास कम है, हाइड्रोजन में स्पेस ज़्यादा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम टाइम बनेंगे और हाइड्रोजन गैस हमारे पास ज़्यादा मिलेगी। सो इसी प्रोसेस को हम यूज़ करते हुए हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स बना सकते हैं और वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स में यूज़ करवा सकते हैं जहाँ पे प्योरली ऑक्सीजन चाहिए होगी। सिमिलर लाइक दैट जहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस है, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर लेंगे और इस हाइड्रोजन गैस को भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे। ओके क्लास, दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एंड यू हैव टू लर्न इट होल विद द डायग्राम। होप यू विल डू द प्रैक्टिस एंड लर्न द इट and send me your practice class. Okay, that's all for today. Allah Hafiz.